क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह मंच पर विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए विजयोत्सव में खुशियों में डूबे हुए आप सभी कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जनता को शत शत नमन करता हूं कि उन्होंने विकास के रास्ते को चुना। मैं देश का भला चाहने वाले देश के बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूं कि हम जो यहां बैठ करके देश के सामान्य मानवी का आकलन करते हैं और हम गलत दिशा में चले जाते हैं, उससे इस प्रकार से सोचने वालों का भला नहीं होता है। जिस क्षेत्र और जनता के लिए सोचा जाता है उनका भला नहीं होता है और देश का तो पारावार नुकसान होता है। इन सभी चुनाव नतीजों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि देश रिफॉर्म के लिए तैयार है, परफॉर्म करने वाली हर बात को पॉजिटिव देख रहा है और ट्रांसफॉर्म होने के संबंध में भरपूर विश्वास रखती है, ये चुनाव लगातार दिखा रहे। लोकतंत्र में चुनाव सरकार के काम का लेखा जोखा होते हैं। आज देश में खास करके मिडिल क्लास का एस्पिरेशन इतना बड़ा हुआ है, उसकी इतनी अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं, जल्दी से जल्दी अपेक्षाएं पूरी हो ये स्वाभाविक इसके मन में है। पहले की सरकारों के पास इस देश के सामान्य मानवीय के मन में आशा अपेक्षाएं नहीं थी, चलो भाई गुजारा कर ले, जैसा है वैसा चला ले, वो भी एक युग था। आज का समय हर पल देश का सामान्य मानवी नई आशाएं, नई अपेक्षाएं, नई आकांक्षाएं, नए सपने लेकर के चल रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार से नतीजे दिखाए वो इस बात को सबूत देते हैं कि अगर आप विकास नहीं करते हैं, अगर आप गलत कामों में उलझे हुए हैं, गलत काम आपकी प्राथमिकता है, तो 5 साल के बाद जनता आपको स्वीकार नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने
पॉजिटिव वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है। गुजरात के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव है। आज के वातावरण में अगर कोई सरकार 5 साल के बाद दोबारा जीत करके आ जाए तो उसका जीतना ही एक बहुत बड़े विजय के रूप में हिंदुस्तान में एडिटोरियल लिखे जाते हैं। किसी सरकार का दोबारा जीतना ये भारत के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बहुत बड़ी घटना के रूप में पिछले 30 साल से लगातार देखा जा रहा है। गुजरात एक अपवाद है। 89 में गुजरात 12 लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और 12 में से 12 जीतता है। नब्बे में असेंबली का चुनाव आता है, बीजेपी 90 सीट पर लड़ रही है और हमारे साथी दल था चिमन भाई पटेल का, वे 90 से ज्यादा सीट पर लड़ते थे, उनको 70 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें मिली। 95 में चुनाव आया, हमने 90 में सरकार बनाई, बाद में कांग्रेस ने तोड़फोड़ करके चिमन भाई के साथ सरकार बना ली। 95 में भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, 127 सीट पर भारतीय 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ जीती। 98 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, हर लोकसभा जीते, हर विधानसभा जीते। भाइयों बहनों, लगातार इतनी जीत और सिर्फ विकास के मुद्दे पर जीत, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई दिशा दिखाने वाली एक सच्चाई है जो गुजरात की जनता ने मोहर लगा करके उसको अनुमति दे दी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गुजरात के चुनाव का विजय एक डबल खुशी का विजय है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि आम तौर पर लंबे अरसे तक जो व्यक्ति मुखिया रहा हो उसके वहां से हटने के बाद गिरावट आने की चर्चा होती है, सबको असंभव लगता है, तुलना होती लगती है, कहां मोदी थे कहां ये है, डिमोरलाइज करने का लगातार प्रयास होता है। लेकिन आज मेरे लिए खुशी है कि 3-3.5 साल पहले गुजरात छोड़ने के बाद गुजरात के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से गुजरात को संभाला है, जिस प्रकार से नेतृत्व दिया है, ये मेरे लिए डबल खुशी का माहौल है
कि मेरे जाने के बाद मेरे साथी गुजरात का विकास करने में कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई। विकास के संबंध में राजी नाराजी तो हो सकती है, लेकिन कोई विकास की मजाक उड़ाए ये कभी हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में होता नहीं। मैं जानता हूं जब से एग्जिट पोल आया तब से कुछ लोग इतने परेशान थे कि गुजरात तो बीजेपी फिर से जीत जा रही है, तो उस जीत के आनंद को कम करने के लिए कौन सी चीजें की जाए। उसके लिए पिछले तीन दिन से आपने देखा होगा बड़ी भरपूर तैयारियां चल रही थी। भाइयों बहनों, हर एक के अपने विचार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पराजय से आनंद होने वाले लोगों की संख्या हो सकती है, लेकिन अगर लोकतंत्र तरीके से अगर एक दल लगातार विजयी हो रहा है, विकास के मुद्दे पर विजयी हो रहा है, तो कभी न कभी इस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस ऐसे हमारे सभी मित्र रखेंगे, इतनी आशा करना गलत नहीं होगा। विकास का एक माहौल बना है, विकास की भूख जगी है, सरकारों की प्रायोरिटी विकास बनता चला गया है। भाजपा आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से डिरेल करने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए। जिस दिन बीजेपी हार जाए आप महीने पर जश्न मनाइए, देश का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश जब विकास के मंत्र को लेकर के साथ और सहयोग दे रहा है, तो मैं देश के सभी लोगों से यही कहूंगा कि अवसर आया है। एक ऐसी सरकार है जिसमें निर्णय लेने की ताकत है, एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, एक ऐसी सरकार है जिसकी नीतियां साफ सुथरा है, एक ऐसी सरकार है जो कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के चलती है, एक ऐसी सरकार है जो भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ ताकत देने में अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। सबका साथ सबका विकास यही मंत्र लेकर के चले हैं, और ये विजय जो है ये विजय इसी बात को जनता की मोहर लग गई है।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जीतेगा भाई जीतेगा, 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 जीतेगा भाई जीतेगा। विकास ही हमारा मंत्र है, विकास के लिए आगे बढ़ना है, देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें अपनी राय ट्विटर पर @Zee_Hindustan, फेसबुक पर @Zee Hindustan। प्रधानमंत्री तक आपके मन की बात पहुंचाएगा जी हिंदुस्तान। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री।